हाय फ्रेंड्स, मैं अनिमा स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल माय व्यंजन्स में। आज हम बनाएंगे दही बड़े और दही भल्ले, कुछ भी बोल सकते हैं आप। इसके लिए हमें जो ज़रूरत पड़ेगी, इमली के चटनी की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये वीडियो भी मैंने डाल दिया है, तो आप पहले इस वीडियो को जाके देख सकते हैं। चलिए फिर बनाते हैं। इसके इंग्रेडिएंट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। इसके लिए मैंने लिया है 300 ग्राम उड़द की दाल, इसे भिगो कर रख लिया है, ओवरनाइट भिगोना है। देखिए बिल्कुल ऐसे भीग के हो जाएगा ये। अब इसको हम पीस लेंगे। इसको पीसने में हमें पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके पीसिए या इकट्ठे पीसिए, लेकिन पानी नहीं यूज़ करना है बिल्कुल। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसे होनी चाहिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। चम्मच को मैंने पलट रखा है, फिर भी जो इसका बैटर है वो नहीं आ रहा है नीचे, तो ऐसे होना चाहिए। इसको निकाल लेंगे और इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से इसको हम फेंट लेते हैं। पीसने के टाइम में हमने नमक ऐड कर लिया था, अभी हम इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता कटा हुआ, लहसुन अदरक का पेस्ट ले रखा है 1 चम्मच, और अदरक को मैंने घिस के ले रखा है, वो बहुत अच्छा लगता है। देखिए फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें हम 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च डाल देंगे। थोड़ी सी हल्दी डाल लेंगे, 1/2 छोटे चम्मच के करीब। देखिए हल्का सा इसका कलर बहुत अच्छा आता है, इस वजह से हमने डाल लिया है। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। को मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें 1 छोटे चम्मच ऑयल मिला लेंगे। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑयल मिलाने से दही बड़े अच्छे सॉफ्ट बनते हैं, तो ये आप स्किप मत करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए ये तैयार हो गया। अब हम यहाँ पे दही ले रखा है, हमने 1 kg दही ले रखा है, इसको मिक्सी में अच्छे से फेंट लिया है। इसको हम किसी प्लास्टिक के कंटेनर में निकालेंगे, स्टील के बर्तन में दही को ज़्यादा देर नहीं रखनी चाहिए। अब यहाँ पर 1 चम्मच नमक ऐड कर लिया है, 1/2 चम्मच जितना चीनी ऐड कर लिया है। चीनी ऐड करने से दही भल्ले खट्टे नहीं होते हैं, आपके दही बड़े अच्छे बनते हैं। देखिए इसको अच्छे से मिक्स करके हम एक साइड पर रख लेंगे। तो मिक्स कर लेंगे। दही में मैंने पानी नहीं मिलाया है, थोड़ी सी गाढ़ी दही ही है। दूसरे साइड पे हम 1 कप जितना पानी मैंने ले रखा है उसमें 1/2 चम्मच नमक मिला लिया है। इसमें हम दही बड़े छानने के बाद इसमें डालने वाले हैं। देखिए हमारा मटेरियल तैयार है, तेल भी गर्म है। तो अभी आप ध्यान से देखिए मैं कैसे डाल रही हूँ, किस तरीके से। देखिए आप ऐसे हम लेंगे हाथ में इसको और बीच में इसका होल बनाएंगे। ये होल हम इसलिए बनाते हैं, अगर आप नहीं बनाएंगे तो किनारे किनारे में ही सिर्फ तेल जाएगा और बीच में वो कच्चा रह जाता है। तो बीच में अगर हम होल बना लेते हैं तो वो दही बड़े हमारे जो हैं बड़े वो बहुत अच्छे से सिक जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप अपने हाथों में लेके एक बड़ा सा होल बना लीजिए, क्योंकि जैसे ही आप उसको कढ़ाई में डालेंगे वो सिमट जाएगा और वो छोटा हो जाएगा, होल जो उसका है वो छोटा हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसमें से जो ऑयल, देखिए आप उसके अंदर से ऑयल बाहर आ रहा है, उबल रहा है, जहाँ देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से अगर आप बड़े सेकते हैं तो ये बहुत अच्छी सिकती है, कच्ची भी नहीं रहती, जलती भी नहीं है। गैस को हम मीडियम लो पे रखेंगे और इसी तरीके से पलट पलट कर बड़े को सेक लेंगे। आप मीडियम लो पे गैस रखते हैं तो वो अंदर तक अच्छे से पक जाता है, फिर बीच में आपने होल भी कर दिया है, तो इस तरीके से आप बनाइए, ऐसे बहुत अच्छे से बनता है। देखिए हल्की गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। कलर आने लग गया है गोल्डन ब्राउन और ये सिक गया है, लगभग
चार से पाँच मिनट आपको लगेगा और आपके बड़े तैयार हो जाएंगे। इस ये तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं कलर भी बहुत अच्छे से आ गया। अब हम इसको निकाल के जो हमने पानी ले रखा था, गुनगुना पानी ले रखा था, उसमें डाल देंगे इसको। अगर हम गर्म पानी में, गुनगुने पानी में, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए पानी, इस गुनगुने पानी में डालेंगे तो जो हमने फ्राई किया है तो ऊपर का लेयर जो क्रंची हो गया है वो पानी में जाके सॉफ्ट हो जाएगा और ये दही को अपने अंदर बहुत अच्छे से सोक कर लेगा। तो इस ट्रिक को आप ज़रूर अपनाइए। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसमें छोड़ देंगे इसको। देखिए ये दही बड़े फूल भी जाते हैं इसमें 2 मिनट के लिए अगर आप छोड़ देंगे तो। उसके बाद इसको अपने हाथों से, हल्के हाथों से दबा के फिर हम इसको दही में डालेंगे। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितने अच्छे से फूल गया है ना। चलिए फिर अब हम इसको दही में डालते हैं। देखिए इस तरीके से हल्के हाथों से दबाते हुए हम इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल देंगे और फिर डिप कर देंगे दही के अंदर। इसी तरीके से सारे दही बड़े को हम ले लेंगे, पानी से निकाल के दही में डाल देंगे। दही में डालने के बाद हमें कम से कम आधे घंटे के लिए छोड़ देना होगा ताकि वो एब्जॉर्ब कर ले दही को अपने अंदर। देखिए दही बड़े हमने इसमें डाल रखे हैं, आप देख सकते हैं। मैंने 250 ग्राम उड़द लिया था तो 10 से 15 के करीब बड़े बने हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं आपको कितने दही बड़े बनाने हैं, उसके अकॉर्डिंग आप मटेरियल ले सकते हैं। अब जब तक वो बड़ा सेट हो रहा है दही के अंदर तब तक हम यहाँ पे उसके मसाले तैयार कर लेंगे। इसके लिए जीरा और सूखी लाल मिर्च, इसको हम ड्राई रोस्ट करके और पीस के, अलग अलग पीस के रख लेंगे। देखिए आधे घंटे हो चुके हैं और दही बड़े बनके तैयार हैं। तो चलिए इसको हम चेक कर लेते हैं। देखिए बहुत अच्छी बनी है। चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। दही बड़े डाल देंगे, दही डाल देंगे, फिर आपने जो भुना जीरा डाल रखा, बना रखा है वो डाल लीजिए, थोड़ा सा काला नमक ऊपर से डाल लीजिए, थोड़ी सी लाल मिर्च जो आपने भून के रखी थी, भून के और पीस के, उसके ऊपर इमली की चटनी डाल लेंगे। अगर आप हरी चटनी पसंद करते हैं दही बड़े के ऊपर तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज ये ऐसे ही बहुत टेस्टी लगता है। आप बनाइए और इसको बनाइए, खाइए और खिलाइए। और हाँ, अगर रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।